दोस्तों रियलमी बहुत ही जल्द रियलमी 5 का सक्सेसर रियलमी 5S इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है, जिसकी कुछ लीक्स निकलकर सामने आई है दोस्तों, जिससे कि यह ऑफिशियली कंफर्म हो जाता है कि इस स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, स्नैपड्रैगन के 712 का प्रोसेसर और उसके साथ ही स्मार्टफोन में आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब और कितने प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइनिंग से, तो दोस्तों रियलमी 5 के जैसा इस स्मार्टफोन में भी देखने को मिलने वाला है बिल्ड और डिजाइन, जो कि आने वाला है बहुत ही बेहतरीन ग्लास फिनिशिंग के साथ, जो कि एक प्लास्टिक बॉडी का होने वाला है और उसके साथ ही स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा का सपोर्ट भी देखने को मिलने वाला है, जो कि प्राइमरी 48 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ आने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन के फ्रंट साइड की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि आने वाला एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ में। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की सेल्फी की, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है 25 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरे के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला स्नैपड्रैगन के 712 का प्रोसेसर, जैसा कि रियलमी 5 प्रो में हमें देखने को मिला था। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बेहतरीन 2 रैम वेरिएंट भी देखने को मिलने वाला है, 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको 13,000 रुपीज के करीबन देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों ये 13,000 रुपीज में पहला ऐसा स्मार्टफोन होने वाला है जिसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों जैसा कि रियलमी 5 में हमें देखने को मिला था 5000mAh की बैटरी, तो दोस्तों रियलमी 5S में हमें देखने को मिलने वाला 6000mAh की बैटरी, जो कि आने वाला है 20W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। एंड उसके साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के रियर साइड के कैमरास की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है 48 मेगापिक्सल सोनी IMX586 का सेंसर, जो कि आने वाला है 48 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरे के साथ। और उसके साथ ही 13 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। और उसके साथ ही बात करें स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में देखने को मिलने वाला है एंड्रॉइड पाई का सपोर्ट, जो कि आने वाला कलरवे 6.1 के साथ। एंड फाइनली बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज इंडिया में आपको देखने को मिलने वाला है 13,000 रुपीज के करीबन। एंड फाइनली बात करें रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का रिलीज डेट इंडिया के अंदर नवंबर के महीने में होने वाला है। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म लीक्स, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।